भाई देखो ये रहा मुंह, मुंह भी डेंजरस है, इसके दांत देखो, देख रहे हो दांत कितने नुकीले हैं भाई साहब, चुभ जाएंगे भाई, ब्रश व्रश करा देते इसको। राम राम भाई, सारे आने हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एक नया व्लॉग। सो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम जा रहे हैं रावण को कवर करने के लिए, और हमारा बंटी भाई भी आ चुका है, बंटी मेरा पड़ोसी है, तो आज मैं और बंटी जो है रावण को कवर करने जा रहे हैं। जो जो भाई लोग रावण बना रहे हैं ना, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो मैंने देखा कि हमारे एरिया के बाहर ना कुछ बड़े बड़े रावण भी हैं, तो मतलब आज हम उसको कैप्चर करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक। तो चलते गाइज, और आज हम चलेंगे अपनी साइकिल से, ठीक है, कोई बाइक से नहीं चलना है, क्योंकि मैं नियर बाई चलना है, तो चाहे बंटी चलाए तो मैं चलाऊँ, और पीछे खड़े होने की जगह है तो खड़े होकर राइड करेंगे, ठीक है, चलते हैं। गाइज सोचा तो था साइकिल पर चलेंगे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग साइकिल खुद उठा के घूम रहे थे, क्योंकि रावण जो था किसी और गली में था। अभी हम लोग आए नई कटिंग में, और यहाँ पर रावण है, और ठीक है, कौन सी गली नंबर है ये, गली नंबर 15 में हम लोग, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने रावण बनाया, और रावण बहुत ही खूबसूरत है, उसके हाथ वगैरह तो पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मेन ढांचा ही हुआ था, मैं ढांचा दिखाऊंगा आपको, ठीक है भाई। आप अपने नाम बताओ जल्दी जल्दी, नाम बताओ। संदीप। आप लोगों ने मिलकर बनाया रावण है ना, और ये भाई भी है तो बोल रहे हैं कवर कर रहे हैं, अभी रावण दिखाएंगे हम लोग, तो सरप्राइज मैंने आपको दे दिया क्या, ठीक है, अब दिखाते हैं रावण आपको, ठीक है। चलो भाई, बादल हो रहे हैं, और इसलिए छोटे छोटे भाइयों ने क्या कर रखा है, इसको ढक रखा है ताकि रावण भीग ना जाए, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि गाइज रावण बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, ये चीज़ ना मैंने बहुत करीब से देखा है। तो बम तो बहन है, लेकिन दिल्ली में बम कहाँ से लाओगे, है पूरा जुगाड़ है भाई के पास। भाई देखो ये रहा मुंह, मुंह भी डेंजरस है, इसके दांत देखो, देख रहे हो दांत कितने नुकीले हैं भाई साहब, चुभ जाएंगे भाई, ब्रश व्रश करा देते इसको, ठीक है। ये रहा भाई मुंह उसका, और ये रही छाती, है ना भाई, छाती है ना, ये बोलना कहाँ गया शुभांकर भाई, तो बताते क्यों नहीं यार, छाती है ना, छाती है। हाँ, और वो रहा घाघरा है ना, उसके पैर कहाँ हैं, पैर उधर रखे हैं, मैंने देखा था। चलो ठीक है फिर भाई। तो भाई अभी तक हमने एक रावण कवर किया है, ठीक है, मैं और बंटी जा रहे हैं अब दूसरा रावण कवर करने के लिए, ठीक है भाई। तो भाई मैं और बंटी पहुंच गए हैं चंचल पार्क 13 नंबर गली में, और यहाँ पर ना रावण नहीं है, रावण का बाप है भाई, और बहुत ही बड़ा रावण है भाई, मैं तो देख के चौंक गया हूँ, ठीक है, अब बात करेंगे बंदों से, और रावण दिखा दो पहले मैं आपको, उसके बाद बंदों से बात करेंगे, ठीक है भाई। ये बताओ ये तो हाथ इतना बड़ा यार, ये है, ये रावण कितने फिट का होने वाला, कुछ बताओगे, 55 फिट का है, पहले अपना नाम, 60 फिट का है, 60 मान लेते प्रॉक्स, ठीक है। तो ये मतलब ये हाथ हो गया है ना, वो छाती है, और वो छाती है, ये घाघरा है, और ये घाघरा है, हैं, अबे जूते बना रखे तुमने तो यार, जूते तो तैयार कर रहे हैं भाई लोग, अभी कर रहे हैं मूवी के, वो भी चलेंगे भाई, ये रे जूते, शूज भी बना दिए उन्होंने तो भाई रावण के, और बहुत ही तगड़े शूज है भाई, ठीक है। इस पे अभी कवर करोगे है ना, तो ये बताओ बम तो मिल नहीं रहे, बम कहाँ से लाओगे, हमने हरियाणा से मंगाया। अच्छा सही है भाई, पूरा जुगाड़ है, अब चलेंगे मुंह देखेंगे भाई, मुंह दिखाओ कहाँ पे है, भाई भाई लोग मुंह तैयार कर रहे हैं, ठीक है, भाई तो स्क्रीन में आ गया भाई, ये रहा मुकुट, मुकुट, और वो क्या है भाई, वो क्या है, वो जो भाई ने हाथ में ले रखा, वो क्या है, वो तलवार है क्या, और ये क्या है भाई, अब ये भी बता दो तुम इसको खड़ा कैसे करोगे, तो रावण को खड़ा कैसे करोगे, हर साल क्रेन आती है क्या, अच्छा अच्छा वो तलवार है, तो मतलब ये अच्छा भाई, कौन कौन बंद, दो दो भाई, जो जो बंदे आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ यार, एक बार तुम्हारी पैर की बात करें तो भाई साहब पैर भी कम से कम 5 फुट से ऊपर का ही है भाई, 6 फुट का पैर होगा, ओ भाई साहब ताज भी देख लो भाई, बहुत ही बड़ा है भाई, ये रावण ही रावण का बाप बनाया भाई इन्होंने, कमाल भाई साहब, इतना बड़ा तो रावण भी नहीं होगा जितना बड़ा तुमने बना दिया भाई, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो रावण बना रहे हैं, रावण तो नहीं बनाया ना, रावण का बाप बनाया, ठीक है। तो आप इनसे बात करेंगे भाई, आपका नाम क्या है बताओ, मेरा नाम वंश है, वंश, और ये भाई आपका, आपका भाई, हाँ तो बताओ भाई रावण बनाने की स्टार्टिंग कैसे होती है, मतलब कहाँ से प्लानिंग होती है बताओ भाई, एक महीने पहले हमने सोचा था कि अब हमको रावण बनाना है, हाँ तो हमने पहले बांस खरीद के लेके आए, फिर हम बोलने लगे कि अब चलो यार सबसे बड़ा ही बना लेते हैं इस बार में, तो हर साल तो हमारा बनता ही था, इस बार चंचल पार्क का सबसे बड़ा रावण बना देते हैं ना,
हमने सोचा था इस बार छोटा बनाएंगे एक डेढ़ मंजिल का। हाँ। तो फिर वो एक दोस्त है मेरा, उसने बोला हाँ। था मेरे को कि बांस लेके आ, इस बार का भी बड़ाई करेंगे। तो पहले छाती बनाई। तो इसमें क्या बोलते हैं वो मनी कौन कंट्रीब्यूट करता है? सब लोग करते हैं पूरे एरिया के, मतलब यहाँ के आसपास के। यहाँ पे सबका कलेक्शन काटते हैं। हाँ, चंदा काटते हो। हाँ, अभी तक तो हमने अपने ही लगाया था, बस अभी थोड़े दिन पहले से हमने कलेक्शन करना चालू करा है। सही है भाई, मैं तुम्हारा रावण देख के चौंक गया भाई, बहुत बड़ा रावण है यार। मतलब मान लो ये घाघरा है ना, ये घाघरा इतना बड़ा यार, कम से कम ये घाघरा है भैया। हाँ, 25 फुट का घाघरा हो गया, 25 फुट का हो, 25 फुट का छाती होगी, 50 फुट ऐसी होगी, पैर भी हो गए, फिर मुंह अलग हो गया भाई। तुम्हारा कम से कम 70 फीट से नीचे नहीं जाएगा ये रावण। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। और ये मैं भाई तुम्हारी मेहनत दिखाऊंगा मैं तुम्हारा, और यूट्यूब पे ये वीडियो आ जाएगी। और तुम्हारा सिंह बी बॉय है, और तुम्हारा रावण जो है ना अमर कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। बोल सियापति रामचंद्र की। ठीक है भाई, थैंक यू यार। गाइस, जैसे ही हम लोग 13 नंबर गली से निकले रावण का बाप देखने के बाद, तो जैसे ही मैंने जयकारा लगाया तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा टायर हो गया पंचर, क्योंकि मैं और बंटी साइकिल पर चढ़ के जा रहे थे। तो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर हम लोग कैसे जा रहे थे गाइस, देखो धीरे धीरे पैदल पैदल भाई हमारा टायर हो गया पंचर। भाई अब हम आ गए हैं 14 नंबर गली में, और ध्रुव हार्डवेयर पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी रावण बना रखा है, लेकिन यहाँ की टीम गायब हो रखी है, तो कोई नहीं, इस रावण को दिखा देते हैं हम लोग, वही चलते हैं भाई। रावण देखकर तो मज़ा आ गया, इतने सारे रावण मैंने देखे ना भाई, फर्स्ट टाइम निकला थी व्लॉगिंग करने इस टाइप की। येरा मुँह, येरी येरा घाघरा, और येरे हाथ, और वो छाती है भाई। ये भी ठीक है, मतलब ये रावण भी कम से कम जाएगा 30-40 फुट तक का। ठीक है, तो गाइस हम जा रहे हैं चौथा रावण कवर करने। अब हम आगे गली नंबर 14 की एक और रावण के पास, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा आगे ही है। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, हमारा टायर भी पंचर हो गया, मैं दिखाऊंगा आपको। बंटी ने थोड़ा खाना ज़्यादा खा लिया, तो इसलिए थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। ठीक है, तो भाई टायर पंचर हुआ, तो पीछे खड़ा होने तो आज तक तो नहीं हुआ था बंटी यार। भाई ये रावण तो बड़ा ज़बरदस्त है, और थोड़ा सा फट गया है, लेकिन अब वैराइटी ऑफ है। तो रावण ने भी लड़ाई कर ली हो, क्या पता भाई। ये भी कम से कम मतलब होगा 30-35 फुट का, 30-40 फुट का रावण होगा भाई। ठीक है, इसके अंदर का भी देख लेते हैं अंदर क्या है। भाई ये रहा घाघरा, वो रही छाती, और वो रहा मुँह, मुँह वगैरह पूरा रेडी हो चुका है। लेकिन भाई जो 13 नंबर गली में पड़ता है ना तुम्हारा, भाई जो 13 नंबर गली में जो रावण था ना भाई, उसके जैसा रावण अभी तक नहीं देखा मैंने भाई। जबरदस्त जितने रावण कवर किए हैं ना, लेकिन भाई जो रावण 13 नंबर गली में था ना भाई साहब, ठाड़ू रावण एकदम। पॉसिबल हो जितना होगा आऊँगा जरूर उसको कवर करने, क्योंकि भाई खड़ा होगा तो अलग ही लेवल आएगा उसका भाई, अलग ही लुक आएगा। तो आऊँगा मैं जरूर एक बार, उसको कोशिश करूँगा, या तो दिन में आऊँ कवर करने का, रात में नहीं आ पाया तो दिन में तो खड़ा हो जाएगा दोपहर में, है ना।